मैहर के जनपद पंचायत कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गुगड़ी गांव के उपसरपंच विनोद यादव कार्यालय के ऊपर आत्महत्या करने के इरादे से रस्सी लेकर चढ़ गया। उपसरपंच कार्यालय के ऊपर खड़े होकर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा, जिसके बाद मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए, जिन्होंने समझा बुझाकर उपसरपंच विनोद यादव को नीचे उतारा और उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनकी जो भी शिकायत है उन शिकायतों को दूर किया जाएगा। बताया गया है कि गुगड़ी गांव के उपसरपंच विनोद यादव पिछले लंबे समय से अपने गांव में किए गए लाखों रुपए के घोटाले के मामले में जांच कराने के लिए परेशान हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब भी वह इस मामले में शिकायत करने के लिए जाते हैं तो उन्हें हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी दी जाती है, जिसके कारण वह काफी परेशान हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि गांव में किए गए लाखों रुपए के घोटाले की शिकायत उन्होंने जनपद पंचायत कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक की है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई भी जांच नहीं कराई गई है, जिसके चलते वह जनपद पंचायत कार्यालय रस्सी लेकर आत्महत्या करने के इरादे से चढ़े हुए थे, जिसके बाद उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों ने समझा बुझा कर नीचे उतार लिया है। इस मामले के संज्ञान में आने के बाद सवाल यह खड़ा होता है कि क्या उपसरपंच द्वारा लगाए जा रहे आरोप सही हैं या नहीं। यदि यह आरोप सही हैं तो प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। मैं भी ग्राम पंचायत गुगड़ी में उपसरपंच हूं। सर मैं जो है तो 8 महीने से जनपद सीओ जिला सीओ एवं माननीय कलेक्टर महोदय जी को शिकायत किया और करीब करीब 50 लाख का घोटाला है ग्राम पंचायत गुगड़ी में, उसको लेकर के तो मेरे ऊपर इन लोगों ने हरजन एक्ट लगवाने की धमकी दी सेक्रेटरी महोदय के द्वारा, और रिपोर्ट भी मतलब लिखित रिपोर्ट दिया गया अमदरा थाना में, और इसकी आज तक कोई जान अभी लोगों ने क्या मतलब कार्रवाई किया नहीं किया, जब मेरे को कोई बताता ही नहीं है। फोन लगाने में ना सीओ साहब बताते, ना ए साहब बताते, ना इंजीनियर साहब बताते, तो मुझे क्या पता। चूंकि इतने घोटाला में सेक्रेटरी साहब को तो सस्पेंड हो जाना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूं कई जगह यदि एसटी एससी का अगर कोई अगर सचिव होता है जरा भी लापरवाही, तत्काल सस्पेंड किया जाता है, वित्तीय पावर हटा दिया जाता है, लेकिन इन लोगों को कुछ होता ही नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और गुंडागर्दी कि हम तुमको फंसवा देंगे, हरजन एक्ट लगवा देंगे सरपंच के द्वारा कहीं कुछ करके, और हम अब बड़े लोग हैं तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो ऐसी ऐसी धमकियां देते हैं। अभी आश्वासन ये मिला कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जांच हो, जांच ये कि अभी मेरे यहां सीसी रोड बन रही है, टोटल मतलब मिट्टी वाला रेता लगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि जहां 10 बोरी लगना चाहिए सीमेंट 3 बोरी लगी है। मेरे पास मैं सीओ साहब को वीडियो भेजा, ए साहब को भेजा, इंजीनियर साहब को भेजा, देखते हैं दिखाते हैं, कुछ नहीं हो रहा। मेरे द्वारा हमारे गांव में आज 10 साल से बड़े बड़े गड्ढे थे, बहुत बड़े बड़े नाला, पूरी किसान लोग अगर एक बार बरसात हो जाए तो ट्रैक्टर जाना टोटल बंद हो जाता था। और सचिव लोग जो हैं तो कम से कम कई लाख रुपए मरम्मतीकरण के नाम से, समर्शियल रिपेयरिंग के नाम से एवं नाली सफाई के नाम से झूठा फर्जी कम से कम 15-20 लाख रुपए निकाली है 3 साल के अंतर्गत, जब से रविंद्र कुमार गौतम आए हैं। और मैंने उसी ढर्रा को रिपेयरिंग कर दिया, करीब 2 लाख का खर्च किया, 2 ढर्रा का रिपेयरिंग करवाया हूं, उसके लिए पैसा नहीं है। तो मैं इनसे ये बोला कि भैया जी आपको 5-6 लाख रुपए फर्जी जो राज्य वित्त आयोग का 5वें वित्त का जो जिसे बोला जाता है वो पैसा आता है, इन लोगों ने फर्जी खर्च पे खर्च कर दिया। तो मैंने तो 2 लाख का काम करवाया है तो उसका मेरा बिल लगना चाहिए, तो गुंडागर्दी बताया जा रहा है, ये समस्या है। तो इसलिए मैं मजबूर होकर मुझे करना पड़ा। मैहर से दीपक तिवारी की रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।